हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर मैं इंग्लिश भाई छवि सर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश लिटरेचर से डब्ल्यू वी ईट्स की पोयम सेलिंग टू वाइजेंटियम के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु कंपोज्ड द पोयम सेलिंग टू वाइजेंटियम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पोयम है सेलिंग टू वाइजेंटियम, इस पोयम को किसने कंपोज किया था। तो इस पोयम को कंपोज किया था डब्ल्यू वी ईट्स ने, यानी विलियम बटलर ईट्स ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज वाइजेंटियम लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि किस कंट्री में, यानी किस देश में ये जो वाइजेंटियम शहर है वो लोकेटेड था, स्थित था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्की। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो वाइजेंटियम शहर लोकेटेड है वो टर्की कंट्री में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाइजेंटियम इज अ सिंबल ऑफ, यानी जो वाइजेंटियम शहर है वो सिंबल है यानी प्रतीक है। तो वाइजेंटियम किसका प्रतीक है, तो वाइजेंटियम जो प्रतीक है आपका सिटी ऑफ द सोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ सेलिंग टू वाइजेंटियम। ये जो पोयम है डब्ल्यू वी ईट्स की सेलिंग टू वाइजेंटियम, इस पोयम की थीम क्या है। तो दोस्तों, इस पोयम की जो थीम है वो है एजिंग एंड इमोर्टेलिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाइजेंटियम इज अ सिटी नोन एज, जो वाइजेंटियम सिटी है यानी जो शहर है नोन एज वो जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम सेलिंग टू वाइजेंटियम। ये जो पोयम है सेलिंग टू वाइजेंटियम, इस पोयम की टोन क्या है। तो दोस्तों, इस पोयम की जो टोन है वो मेलंकली है। मेलंकली का मतलब उदासी होता है, दुख होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, ए जर्नी टू वाइजेंटियम इज अ मेटाफर फॉर ए। वाइजेंटियम शहर की जो यात्रा है इज अ मेटाफर, एक रूपक है फॉर ए, किसके लिए रूपक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रूपक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट, इन विच लिटरेरी पीरियड डस द पोयम बिलोंग, यानी कविता किस साहित्यिक काल की है। तो दोस्तों, ये जो कविता है वो मॉडर्निस्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, दोज डाइंग जनरेशंस रिफर टू, वो मरती हुई पीढ़ियां, दोज डाइंग जनरेशंस, इस लाइन का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, दोज डाइंग जनरेशन का जो तात्पर्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑल द मोरल क्रिएचर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ मॉर्टल ड्रेस, यानी मॉर्टल ड्रेस का मतलब होता है नश्वर पोशाक, मॉर्टल ड्रेस का प्रतीकवाद क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर टेन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द डिके ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन का नाश।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 11। टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक रिफर्स टू, ये जो लाइन है टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, इसका तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो तात्पर्य है, ए स्कारक्रो, स्कारक्रो एक बिजुका होता है जो खेतों में जानवरों को भगाने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ द गोल्ड दैट द स्पीकर्स मेंशन, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ द गोल्ड, गोल्ड का सिंबोलिज्म क्या होता है दैट द स्पीकर मेंशन, इस पोयम में जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसने क्या मेंशन किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इमॉर्टेलिटी एंड परफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज नोन एज द लास्ट रोमांटिक पोएट, यानी लास्ट रोमांटिक पोएट के रूप में किसको जाना जाता है? तो लास्ट रोमांटिक पोएट के रूप में जो जाने जाते हैं वो है विलियम बटलर ईट्स, यानी डब्ल्यू वी ईट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इमेजरी ऑफ गोल्ड मोज़ेक, गोल्ड मोज़ेक की कल्पना क्या है? तो गोल्ड मोज़ेक की जो कल्पना होती है वो होती है द ब्यूटी एंड एलिगेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की सुंदरता, और एलिगेंस का भी मतलब सौंदर्य होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 15 है, द पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम वॉज रिटेन इन, ये जो पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम वो लिखी गई थी, तो ये पोयम कब लिखी गई थी? तो ये जो पोयम है वो 1926 में लिखी गई थी, 1926 में लिखी गई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द फ्रेज सिक फॉर डिजायर रेफर टू, इच्छा से बीमार, यानी सिक विद डिजायर, इच्छा से बीमार वाक्यांश का तात्पर्य क्या होता है? तो सिक फॉर डिजायर का जो तात्पर्य होता है द स्पीकर्स डिजायर फॉर इमॉर्टेलिटी, इमॉर्टेलिटी के लिए जो वक्ता है उसकी डिजायर, यानी उसकी इच्छा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम वॉज पब्लिश्ड इन, ये जो पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम ये कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये जो पोयम है वो पब्लिश्ड हुई थी आपकी 1928 में, 1928 में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द फ्रेज डाइंग एनिमल सजेस्ट, डाइंग एनिमल यानी मरते हुए जानवर, वाक्यांश का वाक्यांश क्या दर्शाता है? तो ये जो डाइंग एनिमल है वो दर्शाता है द डिके ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का अंत या नाश होना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सेलिंग टू बाइजेंटियम वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ, ये जो पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम ये पब्लिश्ड हुई थी इन द कलेक्शन ऑफ, किस कलेक्शन में ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी उस कलेक्शन का नाम आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द टावर, ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन में सेलिंग टू बाइजेंटियम पोयम पब्लिश्ड हुई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ, ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ का प्रतीकवाद क्या है, यानी ग्रीशियन सोनार का प्रतीकवाद क्या होता है? तो ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ का जो सिंबोलिज्म होता है वो होता है द ब्यूटी एंड एलिगेंस ऑफ आर्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे डब्ल्यू वी ईट्स की पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम के 20 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश भाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस वीडियो के पार्ट सेकंड में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छबी सर चैनल।